मैं आपको कच्चे आम की खट्टी मीठी चटपटी लौंजी बनाना बताती हूँ, कैसे बनाई जाती है। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लौंजी बनाने के लिए ये हमने 500 ग्राम कच्चे आम लिए हैं, जिसे कच्ची कैरी भी बोलते हैं। इन्हें हमने छील लिया है। सबसे पहले हम आमों को काट लेते हैं। हम इसमें से एक आम ले लेते हैं। हमें आमों को इस तरीके से काटना है। जो आम के अंदर गुठली है हम उसको निकाल देते और आम को लंबा लंबा काट लेते हैं। साइज आप अपने हिसाब से काट लेंगे, आपको कितने बड़े आम के पीस रखने उस हिसाब से आप आमों को काट लें। हम इस गुठली को भी निकाल देते। हम इस तरीके से सभी आमों को काट लेंगे। ये हमने सभी आमों को काट लिया है। चलिए अब लौंजी बना लेते हैं। लौंजी बनाने के लिए पैन में अब हम 2 टीस्पून ऑयल डाल देते हैं। ऑयल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। अब ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून जीरा डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून कलौंजी, फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 2 चुटकी हींग, 1 टेबलस्पून सौंफ। अब हम सभी मसालों को कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं, जिससे कि मसालों के अंदर जितना भी कच्चापन होगा वो निकल जाएगा। अब ये मसाले भुन गए हैं, अब जो हमने आम काटे थे वो डाल देते हैं। आमों को लगातार चलाते हुए 1 मिनट करीब भून लेते हैं। भूनने से क्या होगा कि एक तो आमों का टेस्ट बढ़ जाएगा, दूसरे आम भी हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे। 1 मिनट करीब हो गया है, अब ये आम भी हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। ये हमने 1 कप पानी लिया है वो डाल देते हैं। पानी को मिक्स कर देते हैं। अब हम इनको ढक देते हैं और 1 बॉईल आने तक मीडियम फ्लेम पे पकने देते हैं। 1 मिनट करीब हो गया है, अब ये आमियां भी हल्की सॉफ्ट हो गई हैं। ये हमने 200 ग्राम गुड़ लिया है वो डाल देते हैं। गुड़ को आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको लौंजी खट्टी मीठी पसंद है तो 200 ग्राम गुड़ बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ज्यादा मीठी पसंद है तो आप थोड़ा सा गुड़ और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें मसाले मिक्स कर देते हैं। इसके लिए 1 टीस्पून ये लाल मिर्च लिए वो डाल देते हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून सफेद नमक, ये वही वाला नमक है जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून भुने वाले जीरे का पाउडर। अब हम सभी मसालों को मिक्स कर लेते हैं। ये लौंजी हेल्दी भी होती है, क्योंकि हमने जिन मसालों का इस्तेमाल किया है वो हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। अब हम इसे ढक देते हैं और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं, जिससे कि इसमें गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। 4 मिनट करीब हो गए, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अब ये आम भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब ये लौंजी बनके तैयार हो गई है। आप देख पा रहे कितना बढ़िया कलर आया है और गाढ़ी भी हो गई है। बस हमें इसी टाइप की लौंजी चाहिए। ये अभी ठंडी होने के बाद भी थोड़ी सी गाढ़ी होगी। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। अब ये लौंजी ठंडी हो गई है, अब मैं आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ। आप देख पा रहे कितनी बढ़िया लौंजी बनके तैयार हुई है। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आप इसे बना करके बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। बच्चों को तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। आप इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आपकी लौंजी कैसी बनके तैयार हुई। मैंने आपको जिस तरीके से बनाना बताया है, अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होगी। आप इसे बना करके एयरटाइट डब्बे में भर करके 20 से 25 दिन फ्रिज में रख करके खा सकते हैं।
देखिए देखने में ये कितनी सुंदर लग रही है और ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आप मुझे कमेंट्स करके ये भी बताइए कि आप इसे कब बना रहे हैं। और इसे बनाना भी बहुत आसान है, झटपट बनके तैयार हो जाती है और खाने में तो ये टेस्टी होती ही है। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।